वेलकम टू श्रीजी क्रिएशन। आज मैं आपको हेल्दी रहने के लिए और वेट लॉस के लिए कौन कौन से ग्रेन्स हमें लेने चाहिए वो बताने वाली हूँ। तो चलिए उसे देख लेते हैं। आपको अगर मेरा वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और शेयर करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सबसे पहले हम बात करेंगे गेहूँ की। तो गेहूँ का फाइन आटा बनाने में या फिर उसमें से मैदा बनाने के प्रोसेस में अराउंड 40% जितना उसका हिस्सा चला जाता है। तो उसमें से हमें गेहूँ में से मिलने वाले विटामिन्स, कैल्शियम, फॉस्फरस, फॉलिक एसिड, कॉपर, जिंक, आयरन और फाइबर सभी की मात्रा कम हो जाती है। तो उसके कंपेयर में अगर आप गेहूं का बड़ा वाला आटा या कोर्स आटा यूज़ करते हो डाइट में, तो उसमें से आपको ये सारी चीज़ें काफ़ी मात्रा में मिल जाती है और साथ में फाइबर भी अच्छी मात्रा में मिलता है, जो ओबेसिटी कम करने में या वेट लॉस करने में काफ़ी हेल्पफुल रहता है। इससे आपका मेटाबॉलिज्म लेवल भी इम्प्रूव होता है। जितना आपका मेटाबॉलिज्म स्ट्रांग होता है उतना ही आप जल्दी से वेट लॉस कर सकते हो। और बड़ा वाला आटा शुगर लेवल बैलेंस रखता है, जो डायबिटीज़ और हार्ट अटैक जैसा खतरा कम हो जाता है और लेडीज़ में ब्रेस्ट कैंसर की मात्रा भी कम हो जाती है। सो आप हो सके उतना मैदा या फाइन आटा यूज़ करना कम करें या बंद कर दें, और उसकी बदले आप गेहूं का बड़ा वाला आटा यूज़ करते हो डाइट में तो वो काफ़ी हेल्पफुल रहता है। अब हम बात करेंगे बाजरे की। तो बाजरे के आटे में से हमें प्रोटीन, फॉस्फोरस, मैग्नीशियम, आयरन और काफ़ी मात्रा में फाइबर मिलता है, और फाइबर वेट लॉस के लिए काफ़ी हेल्पफुल है। जिन लोगों को कब्ज या पाइल्स का प्रॉब्लम हो तो वो लोग बाजरे का यूज़ ना करें, क्योंकि बाजरा गर्म होता है। तो उसके अलावा बाकी सभी लोग सर्दियों में अगर गेहूं के बदले बाजरे का आटा यूज़ करते हैं तो वो काफ़ी हेल्पफुल रहता है। मक्के के दाने में काफ़ी मात्रा में फॉलिक एसिड होता है, जो आँख और स्किन के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहता है, और इसमें फाइबर काफ़ी मात्रा में होता है। तो आपको अगर डाइजेशन का या कब्ज़ का कोई प्रॉब्लम हो तो आपको मक्के का आटा काफ़ी हेल्पफुल रहता है। जौ का आटा ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल लो रखने में हेल्प करता है। जौ में विटामिन्स, मिनरल्स, फाइबर, प्रोटीन और फैट काफ़ी कम होता है, जो वेट लॉस में काफ़ी हेल्पफुल रहता है। जौ में फॉस्फोरस, कैल्शियम, मैग्नीशियम और कॉपर होता है, जो हड्डियाँ और दांत हेल्दी रखता है। जौ के पानी में दूध के कंपेयर में काफ़ी मात्रा में कैल्शियम होता है, जो ऑस्टियोपोरोसिस का खतरा कम करता है। एक कप जौ में से 13 ग्राम हमें फाइबर मिलता है, जो डाइजेशन प्रॉब्लम और कब्ज में काफ़ी हेल्पफुल रहता है। अब हम बात करेंगे रागी की। तो रागी में कार्बोहाइड्रेट्स और कैल्शियम काफ़ी मात्रा में होता है। 100 ग्राम रागी में से 344 mg कैल्शियम होता है, और बच्चों के लिए ये बहुत ही हेल्पफुल है। डायबिटिक पेशेंट अगर गेहूं के आटे में रागी का आटा मिक्स करके उसका यूज़ करे तो वो काफ़ी हेल्पफुल रहता है। रागी स्किन के लिए भी बहुत ही हेल्पफुल है, वो एक एंटी एजिंग का काम करता है, तो वो स्किन के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। वो स्किन पे रिंकल्स आना कम कर देता है, और माइग्रेन के पेशेंट के लिए भी रागी बहुत ही हेल्पफुल है। ये एक नेचुरल रिलैक्सेशन का काम करता है, और इसमें डायट्री फाइबर काफ़ी मात्रा में होता है, तो आपको ये वेट लॉस करने में काफ़ी हेल्पफुल रहता है। ब्राउन राइस। ब्राउन राइस में विटामिन बी, फॉस्फोरस, सेलेनियम, पोटेशियम और डायट्री फाइबर काफ़ी मात्रा में होते हैं। सेलेनियम पेट और ब्रेस्ट कैंसर की पॉसिबिलिटी को काफ़ी कम कर देता है, और जिन्हें कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम हो तो उनके लिए ब्राउन राइस बहुत ही हेल्पफुल है। वो कोलेस्ट्रॉल के LDL लेवल को काफ़ी कम कर देता है। ब्राउन राइस में फाइबर काफ़ी मात्रा में होने की वजह से कैलोरी इंटेक कम होता है, तो उसकी वजह से स्टमक बहुत ही जल्दी से फुलफिल हो जाता है, और आपको लंबे समय तक भूख नहीं लगती और ओवरईटिंग भी नहीं होता। तो उसकी वजह से आपको वेट मेंटेन करने में और वेट लॉस करने में ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। अगर आपको कब्ज का प्रॉब्लम है तो आप अगर वाइट राइस के बदले अगर ब्राउन राइस डाइट में यूज़ करते हो तो वो काफ़ी हेल्पफुल रहता है।
ब्राउन राइस में मैग्नीशियम होता है जो हड्डियां हेल्दी रखता है। एक कप ब्राउन राइस में से 21% मैग्नीशियम हमें मिलता है। डेढ़ कप ग्रेन्स यूज करने से हमें जितने न्यूट्रिशंस मिलते हैं उतने ही न्यूट्रिशंस हमें हाफ कप ब्राउन राइस यूज करने से मिलते हैं। तो आप सोच सकते हैं कि दूसरे ग्रेन्स के कंपेयर में ब्राउन राइस कितना हेल्दी और हेल्पफुल है हमारे हेल्थ के लिए। हम जो भी चीज़ें वाइट राइस यूज़ करके बनाते हैं वो सारी चीज़ें हम ब्राउन राइस यूज़ करके बना सकते हैं। ओट्स में फाइबर काफ़ी मात्रा में होता है जो डाइजेशन में और वेट लॉस में हमें हेल्प करता है। ओट्स हार्ट को हेल्दी रखता है। ओट्स को आप फ्रूट्स और वेजिटेबल के साथ उसका कॉम्बिनेशन करके आप डाइट में यूज़ कर सकते हो। इवन आप उसे रोटी पराठा या राइस और खिचड़ी में भी ऐड करके उसे आप रूटीन में भी यूज़ कर सकते हो। ओट्स में फाइबर के साथ कैल्शियम, फॉस्फोरस और पोटेशियम भी काफ़ी मात्रा में होता है जो स्किन, वेट लॉस और डायबिटिक पेशेंट के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। तो इस तरह से अगर आप ग्रेन्स अपने डाइट में यूज़ करोगे तो वो आपके हेल्थ के लिए और वेट लॉस के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहता है। और अगर आप पेट और कमर की चर्बी को कम करना चाहते हो तो इस तरह से हेल्दी ग्रेन्स ही यूज़ करें तो वो बहुत ही हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरह के और वीडियो सीखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।